हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको विदाउट डिवीजन यहां पर कहना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसा करेंगे आप उसको, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी ट्रिक बताता हूं। अगर डिनोमिनेटर, यहां पर जो पी बाई क्यू फॉर्म दिया गया है, अगर डिनोमिनेटर होगा 2n 5m के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 पावर समथिंग 5 पावर समथिंग। इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है डिनोमिनेटर में, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अगर 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों मिलाकर ऐसा आएंगे, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इतना ही याद रखना है आपको। डिनोमिनेटर्स को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे फैक्टराइजेशन, उसको देखेंगे कि क्या उसके फैक्टर्स 2 में आए हैं या 5 में आए हैं या दोनों का मिलाकर आया है। अगर ये दोनों का मिलाकर आएगा या फिर 2 में आएगा या फिर 5 में आएगा, तो वो एक टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसके साथ आता है, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो आइए एक एक कर सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं डस्टर यहाँ पर ले लेता हूँ एक मिनट, सो दैट हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहला वाला हमें मिलेगा 13/3125। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को ले लेना है 3125 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर लूँगा। 5 6 30, 1 बच रहा है, ये 31 है, तो 1 बचेगा, 12 बन गया। 5 2 10, यहाँ पर 12 है, कितने बच गए, 2, यहाँ पर 2 लिख लूँगा मैं, ये बन गया 25। तो इसको करेंगे 5 से। नाउ अगेन विथ 5, 5 1 5, 6 है यहाँ पर, 1 बच गया, 12 को हम ले लेंगे, 5 2 10, तो फिर से 2 बच गए, 5 5 25। नेक्स्ट 125 को भी करेंगे, 5 2 10, फिर से 2 बच गए, 5 5 25। नेक्स्ट अगेन 5 5 25, लास्ट विल बी 5 1 5। तो यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीट जो हमें यहाँ पर मिला है वो है 5 पावर 5। तो मैंने कहा था आपको, अगर 2 आया, 5 आया या फिर दोनों का मिलाकर आया, तो वो हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 13/3125 क्या हो गया, देयरफॉर 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए सेकंड वाले को करते हैं हम। डिनोमिनेटर ले लेना है आपको, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना है। 12 ले लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो यहां पर क्या आया हमें, 2 पावर 2 इंटू 3। यहां पर 3 एक एक्स्ट्रा टर्म आया है आपको, जो मैंने कहा था नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, तो उसका मतलब यह है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए अब करते हैं थर्ड बिट, 64/455। हमें ले लेना है सिर्फ 455। आइए फैक्टर्स निकालते हैं, 5 9 45, 5 1 5। नेक्स्ट इसको हम करेंगे 7 के टेबल से, 7 1 7, 2 बच गए, 7 3 21। अब लास्ट में ले लेंगे 13 1 13। तो यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं फैक्टर्स, 5 7 13। यहाँ पर हमें 5 तो मिला है, बट अलॉन्ग विद दैट हमें 7 भी आया है और 13 भी आया है। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर उसमें आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए फोर्थ बिट को करते हैं। फोर्थ बिट में देखिए क्या दिया गया है, 1600। सो 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 2, 2 8 16, ये 0 0 कंटिन्यू होगा, 2 4 8, 0 0, 2 2 4, 0 0, 2 1 2, 0 0। अब मैं 5 ले लूँगा यहाँ पर, 5 2 10, 0, 5 4 20। नेक्स्ट 2 2 4, 2 1 2। तो यहाँ पर गौर करिए आप, 2 के कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 इंटू 5 5 5 पावर 2। तो यहाँ पर ये फॉर्म में है 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो मैंने कहा था, अगर 2 आया, 5 आया या फिर दोनों मिलाकर आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
टर्मिनेटिंग, सो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए फिफ्थ बिट को करेंगे। फिफ्थ बिट में देखिए क्या दिया गया है, 343। तो 343 को हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं 7 से, सो 7 4 जा 28, तो 34 में से अगर हम 28 निकालेंगे तो 6 बचेगा, ये बन गया 63। 7 9 जा 63, नेक्स्ट 7 7 जा 49, नेक्स्ट 7 1 जा 7, तो ये क्या आया, ये आया 7 पावर 3। हमें चाहिए टर्मिनेटिंग बनाने के लिए या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, बट यहाँ तो 7 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 5 बिट्स इस क्वेश्चन के। अब रिमेनिंग 5 बिट्स नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोट्स में लिख सकते हो, तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बिट्स की तरफ। ये अब सॉल्व करते हैं रिमेनिंग बिट्स ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सिक्स बिट में हमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 पावर n इंटू 5 पावर m दे दिया गया है, 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर ये ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ये हो जाएगा, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी हमें यहाँ पर दे दिया गया था इसीलिए हमने उसको टर्मिनेटिंग लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आपको 2 पावर n इंटू 5 पावर m, बट इसके साथ 7 पावर 5 भी है, यहाँ पर 2 पावर n और 5 पावर m के साथ 7 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्म में नहीं है 2 पावर इंटू 5 पावर m के, क्योंकि एक्स्ट्रा यहाँ पर 7 आ गया है। सो हियर हम लिखेंगे सबसे पहले 129 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। डिनोमिनेटर इज Not in the form of 2 power n into 5 power m. So therefore it is non-terminating decimal. ये non-terminating decimal हो गया। अब आइए 8th bit को करेंगे, सिर्फ denominator ले लेंगे, यहाँ पर conversion नहीं कर कर दिया गया है हमें। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया, 3 into 5। क्या ये 2 power n into 5 power m के form में है, या फिर सिर्फ 5 है, या फिर सिर्फ 2 है, नहीं, ये यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, सो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आइए 9th बिट को करते हैं। हमने इतने सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर लिए, अब आपको यहाँ पर परफेक्ट हो जाना है, हाउ टू टेल विदाउट डिवाइडिंग दैट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। 2 5 जा 10, 0 ले लीजिए, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, जो कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m, सो देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लास्ट वाला बिट जो है 77 डिवाइडेड बाई 210, ये होमवर्क है आपके लिए। अब इतना सब मैंने कराया है तो एक प्रॉब्लम आपको भी कर देखना होगा और आंसर उसका बताना होगा कमेंट बॉक्स में। इसको देखिए, डिनोमिनेटर आपको लेना है, फैक्टर्स निकालने हैं, अगर वो रहा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में तो वो हो जाएगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल।